जेके न्यूज पॉइंट की कोशिश है कि कश्मीर से जो ग्राउंड में सच्चाई है वो आप तक पहुंचाई जाए और लोगों के जो मुद्दे हैं या उनके मुश्किलात हैं उसे हाईलाइट किया जाए। तो फिलहाल हम गांदरबल से आपके साथ लाइव ज्वाइन किए हुए हैं, जहां पर बहुत सारी मुश्किलात यहां के लोगों को है। बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार लगा रहे हैं और अभी तक क्यों नहीं सुनी जा रही है। पहले मैं तस्वीरों में आपको दिखा देती हूँ कि अगर आप गांदरबल के सबसे पहले रोड्स की ही बात कर लीजिए तो रोड्स की खस्ता हालत यहाँ पर है। दूर दूर तक जहां भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ आपको यहाँ पर खड्डे ही खड्डे नजर आएंगे। हालांकि एक जगह नहीं है, दो जगह नहीं है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर परेशानियां हैं। तो यहाँ के कुछ मुकामी लोग मेरे साथ हैं और सबसे पहले जो सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ है उनसे हम बात करेंगे। जी, अपना नाम? मेरा नाम बिलाल अहमद वानी है। तो आई एम सोशल एक्टिव से फार्म डिस्ट्रिक्ट कानपुर। तो बताएं क्या मुश्किलात यहाँ के रहने वाले लोगों को? सबसे बड़ी मुश्किलात जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो रोड्स को लेके है। देखिए, अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट हर एक डिस्ट्रिक्ट की, हर एक जिले की डेवलपमेंट देखी जाती है वहाँ के रोड से। लेकिन बदकिस्मती से हमारे रोड जो है पिछले 60 सालों से जो कि त्यों है। तो इन रोड्स को बढ़ाने की जरूरत है, रोड वाइडनिंग की जरूरत है। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार अपील करते आ रहे हैं कि हमारे रोड्स को वाइडनिंग अप कीजिए, हमारे रोड्स को बढ़ा दीजिए। क्योंकि पैसा इतना आया, लेकिन बदकिस्मती से मेरे ख्याल से आज तक ये पैसा सब जाया हुआ, सब यहाँ पे जितना भी पैसा आया उसको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया गया। तो आज तक जितने भी यहाँ पे हुक्मरान आए, जितने भी हुकूमतें आए, उनसे हम बिल्कुल एक दोहार लगाए बैठे थे कि हमारे रोड जो है वो संभले जाए, वो ठीक किए जाए। लेकिन बदकिस्मती से उन पे कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है आज तक। और लेकिन अब हमें एक उम्मीद यहाँ पे जागी गई है कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है या डिस्ट्रिक्ट साहिबा है, तो हम उनसे अपील करते हैं कि वो काम करने वाली डीसी है। हमें बड़ी उम्मीद है कि वो हमारी इस बात को सुनेंगे और इस बार हमें बिल्कुल ये यहाँ पे एक चेंज देखने को मौका मिलेगा। बिल्कुल। और दुदरहुमा इलाके में हम मौजूद हैं, यहाँ के जो ट्रेडर्स प्रेसिडेंट हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम? तो मेरा नाम मोहम्मद शिबी और जान मोहम्मद। बताएंगे यहाँ के लोगों को और क्या मुश्किलात है? यहाँ तो सिर्फ सड़कों की मुश्किलात है ज्यादा से ज्यादा। जब यहाँ से डीसी डीसी साहब आए हैं, मैंने उनको वफद के तौर पर हम यहाँ गए हैं, उन्होंने बोला यहाँ बहुत डीसी आए हैं, सब डीसी के पास हमने फाइल छोड़े हैं, यहाँ रोड की प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर। मगर मैंने इसको एक बाईपास का यहाँ तकरीबन 15 सालों से चल रहा है, उसको निशाना भी डाला है, वो तो एसपी आपसे पीछे निकलता है। फिर यहाँ से अच्छी रोड जाएंगी, यहाँ से मतलब कोई दिक्कत दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं, वहां से गाड़ी आएंगे तो जाएंगी, ये तो ये रोड तो रुक जाएंगे सिर्फ अस्पताल के लिए, वो तो बाईपास रहेगा अलग, तो हमारे ये जो गंदरबल है वो आजाद हो जाएगा इस दलदल से। बिल्कुल। तो गांधीनगर की मुश्किलात से हम आपको लगातार रूबरू करवा रहे हैं और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनका कहना है कि एक तो वाइडनिंग करने की जरूरत है इन रोड्स को, साथ में जो रोड्स की खस्ता हालत है उससे लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कि कितने सालों से आप गुहार लगा रहे हैं, अभी तक नहीं सुने? तकरीबन 20 सालों से, 20 सालों बीस से सालों से 15 साल से वो बाईपास निकला है, यहाँ से वो पड़ा है ऐसा ही है निशान, तीन तीन बार उसको निशाना डाला है, कोई गवर्नमेंट आया, कोई जो भी डीसी आया या गवर्नमेंट, कोई किसी कुछ नहीं करता है, किसी ने कुछ नहीं किया। तो ऑफिशियल से कोई बात हुई आपकी, उनका उनका कुछ रिस्पांस था कि कब तक ठीक हो जाएगा या कोई कुछ नहीं, आश्वासन? कुछ नहीं। यहाँ यहाँ ये चिनार है, हम बोलते हैं ये चिनार निकालो, आप देखो कैमरा से देखो, सब इसी के वजह से ट्रैफिक जाम जाते हैं। मगर हमने बोला इसको ये वहां से बाईपास निकालो, मैंने ऐसे 10 साल से एप्लीकेशन भी दी ही, बहुत के साथ गए हैं, ऐसा करो, किसी डीसी ने नहीं किया, आप ऐसा करो, हमें उम्मीद है, मगर कोई रेस्पॉन्ड नहीं आया। जी, क्या एक एक दो दो घंटे यहाँ पर ब्लॉक होता है रोड, इसीलिए इसी वजह से हम बहुत परेशान है। बच्चे भी निकल नहीं सकते हैं कुछ लाने के लिए, वो प्रॉब्लम है बहुत जमा होता है। वो सबसे बड़ी चीज है जो यह इस साइड से जो रोड निकल रहा है 60, ये 60 फीट का रोड है, तो इसे दो एक तो जाम तो खत्म हो जाएगा, दूसरी जाते जो यहाँ ये जो प्लान जो चल रहा है यहाँ इस साइड का जो प्लान चल रहा है ना, हमें चल वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट द 100 ईयर्स प्लान, नॉट फॉर 5 ईयर्स प्लान। आफ्टर दैट अगर कुछ साइड से जो प्लान चल रहा है ना, सिर्फ 70% जो लैंड है जो एस बी आर से जा रहा है वो 70% लैंड है वो गवर्नमेंट लैंड है, तो उनको मुआवजा नहीं देना नहीं चाहिए, और वहां से ये अच्छी तरह से ये रोड जाएगा, फिर भी ये 100 ईयर का प्लान है ये अच्छा हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है, ये उस साइड से निकल रहा है ये रोड, ये सबसे बड़ी चीज।
क्योंकि इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लिंक रोड है उस साइड से बड़ा प्लान है उस साइड से 60 लगभग 60 फीट का वहाँ पर उन्होंने लिखा भी वहाँ पर है। ट्रैफिक जाम बहुत खत्म हो जाएगा, ट्रैफिक जाम एक एक दो दो अगर यहाँ से ये उठाएंगे यहाँ से, ये लगभग एटलीस्ट ये 100 दुकान है, 100 शॉप है, तो बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी, उससे बेरोजगारी ज्यादा बढ़ जाएगी अगर उस साइड से जी। तो आखिर में क्या अपील आप एडमिनिस्ट्रेशन से? हमारी अपील यही है कि जो ये रोड्स हैं, मैंने पहले भी आपको कहा कि ये बिल्कुल 60 साल से जो कि तू पड़े हैं, और आपने यहाँ पे और मुकामी लोगों की बात सुनी, ये कह रहे 20 साल से हम भी चक्कर लगा रहे हैं आपसे का, तो आज तक जितने भी हुक्मरान आए, चाहे मैं सियासत की बात करूंगा, पॉलिटिशियन की बात करूंगा, यहाँ पे कुछ ऐसे भी लीडर जो यहाँ के सीएम होके चले गए, लेकिन उस वक्त में भी यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ जिससे हम राहत की सांस दे सके। उसके बाद बहुत सारे अफसान लोग आए, हम बिल्कुल दफ्तरों में गए, चक्कर मारते गए, इस बारे में तो कोई भी सुनवाई आज तक नहीं हुई। तो सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पे आप देखिए, चिनार जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये चिनार जो है ये भी बड़े हडल बन गए हैं इस रोड के लिए। हम नहीं कहते अगर चिनार तो आप काटो, लेकिन हम चाहते हैं एक मुतबादल होना चाहिए, अगर आप इन चिनारों को काटो तो किसी जगह प्लांटेशन ड्राइव आप स्टार्ट कीजिए, जिसमें हम पहला हाथ बटाएंगे, दूसरी जगह किसी जगह चिनार लगाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुतबादल की जरूरत है। ट्रैफिक मिस लेस को खत्म करना है, या यहाँ से हॉस्पिटल के पीछे जो इन्होंने प्रपोजल दिया है नए रोड के लिए, बिल्कुल 60 फुट का रोड जो है उसके लिए एक प्रपोजल दिया गया है, लेकिन ये प्रपोजल खाली कागजात में रहा है, डॉक्यूमेंट्स में रहा है, तो आज तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। अगर इतना मुतबादल है, हमारे पास जगह है, हमारे पास एवेन्यूज है, हमारे पास पैसा है, तो क्यों नहीं आज तक ये मुतबादल हो रहा है, क्यों नहीं यूटिलाइज हो रहा है, क्यों हम लोग सफर कर रहे हैं, क्यों ये डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद लग रहा है ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है? तो मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि अगर डेवलपमेंट देखनी होगी किसी भी डिस्ट्रिक्ट की, वहां से रोड्स की देखी जाती है, लेकिन हम फिर भी वैसे के वैसे पड़े हुए हैं जैसे आज से हम 60 साल पहले थे। तो मेरी आखिर पर ये गुजारिश रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारी बात को सुने, हमारी बात की सुनवाई हो, और जितना हो सके इस रोड की वाइडनिंग के लिए आप काम स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल शुक्रिया। तो यहाँ के मुकामी लोगों की जुबानी सुना आपने, और अगर यहाँ पर आप नजर दौड़ाएंगे और आप देखेंगे कि रोड्स की क्या हालत है, और इनका कहना है कि वाइडनिंग ना होने की वजह से यहाँ पे लॉकडाउन में भी जाम लगा हुआ है, और साथ ही जहाँ और ये जो बहुत सारे खड्डे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी वजह से काफी एक्सीडेंट होने के भी चांसेस हैं, और 20 सालों से गुहार लगा रहे हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ कागजात में हो रही है। तो इसी उम्मीद के साथ एडमिनिस्ट्रेशन जल्द जागे और इन लोगों की गुहार सुने, लूंगी इजाजत। और तो वहीं पर अगर बात करें कि हॉस्पिटल, इनका कहना है कि अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने में भी इनको मुश्किलात झेलनी पड़ती है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, कोशिश रहेगी ग्राउंड से जो लोगों की मुश्किलात है वो हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाई जाए। लूंगी इजाजत, देखते रहिए। एंड